एबीपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। द सिचुएशन विल बी रिव्यूड ऑन द 1st of June बाय द बोर्ड एंड डिटेल्स विल देन बी शेयर्ड सब्सिक्वेंटली। तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खास करके लिए 12th के बच्चों के लिए जो अभी सीधा कॉलेज में जाने वाले हैं। इन्फॉर्मेटिव तो क्या, बहुत ज़रूरी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यार, कोविड की वजह से डिसीजन तो काफ़ी अच्छा है गवर्नमेंट का कि 12th के बोर्ड पोस्टपोन कर दिए, और 10th के तो वैसे भी नेसेसरी नहीं होते, कहीं मार्क्स वार्क्स लगते नहीं है, तो वो तो चलो पहली फैक्ट देने चाहिए थे एक कोने में। बट 12th के जो पोस्टपोन किए हैं उससे दो चीज़ें, एक प्रॉब्लमेटिक ये है कि सब कुछ डिले होने वाला है, वो पहले भी होने वाला था। दूसरी ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि अब लोगों, बच्चों का थोड़ा सा माइंड अपसेट हो गया है, लोग जो तैयारी कर रहे थे बोर्ड की, अपने ट्रैक जो उन्होंने फोकस कर रखा था उससे थोड़ा भटक जाएंगे, एंड इससे और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यार, इंजीनियरिंग में जो बच्चे जा रहे होते हैं ना, बहुत ज़रूरी होता है उनका क्या करियर ट्रैक फॉलो करते हैं वो, क्या उनका टाइम यूज़ होता है, क्या उनका टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं 12th के बच्चों को, और क्या क्या करना चाहिए उन्हें जिससे कि ये प्रॉब्लम्स उन्हें करियर में प्रॉब्लम ना दे, और जॉब वॉब जो प्लेसमेंट वाला सिनेरियो वो अपना क्लियर रहे, क्योंकि अपन को क्या है, एंड में प्लेसमेंट ही चाहिए। रिसर्च वाले हम लोग हैं भी नहीं, अगर कोई है तो उसके अलग से वीडियो बना देंगे, बट अभी हम प्लेसमेंट की बात करते हैं। और यार, जैसे जेई के अभी दो अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, तो जेई वाले बच्चे तो बिल्कुल ख़त्म से ही हो रखे हैं अभी। जितना मेरा एक कज़न भी है तो मेरे को पता है उनका कैसे ध्यान भटका हुआ है पूरा जेई के चक्कर में, एंड उसकी वजह से पूरा कॉलेज का जो एक पूरा सेंस होता है ना वो जा रहा है। अरे ये क्या था भाई, जापान में कुछ भी बना रखा है, इसको तो सीमेंट का बना देते। हाँ, तो यार कॉलेज में जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, कॉलेज में जाके जो तुम फर्स्ट ईयर में सीखते हो वो बहुत अलग लेवल का होता है, एंड वो तुम्हारे पैंडेमिक या ऑनलाइन क्लासेस से पूरा नहीं हो सकता। प्लेसमेंट की मेरे को जो पहली रिक्वायरमेंट लगती है ना, वो इंजीनियर बनना क्या होता है, ये सब टेक्निकल नॉलेज नहीं, कैसे तुम एक रात में पेपर ख़त्म करते हो, कैसे तुम दोस्तों के साथ बैठ के हॉस्टल में मस्ती करते हो, कैसे कॉलेज में मस्ती करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस इंपॉर्टेंस के लिए ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, जो कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा सीन खराब ही है। जो अब इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या कर सकते हो और तुम्हें क्या फोकस करना चाहिए, और कहाँ पे बोर्ड पे फोकस करो, कितना जेई पे फोकस करो, क्या करना चाहिए, उस पे बात करते हैं। चलो आगे। तो यार, मोटिवेशन बिल्कुल मत कम करना, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ बदलता है तुम्हारी ये पेपर। लाइफ क्या यार, तुम्हारा पूरा आगे क्या करियर होने वाला है, तुम्हारे क्या बच्चे होंगे, तुम्हारा क्या बुढ़ापा होगा, तुम्हारा क्या सब कुछ भाई इसी पेपर पर डिपेंडेंट है। क्या कॉलेज मिलता है तुम्हें उसी से, अब मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटी है लाइफ की, इसको फेस कर लो, अभी मेहनत कर लो थोड़ी सी, पूरा फ़ायदा हो जाएगा तुम्हारा। मेहनत कैसे करनी है, सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हें बोर्ड पे भी फोकस करना है थोड़ा थोड़ा, और जेई पे भी फोकस करना है। जेई पे तुम्हें पता ही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने होते हैं, वो सब मेरे को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, उसके दुनिया भर के चैनल बने हुए हैं। मैं तुम्हें बस ये बोल सकता हूँ कि अभी भी छोड़ना मत, अगर तुमने अब छोड़ दिया ना बहुत दिक्कत हो जाएगी पूरी लाइफ के लिए। लगे रहो और मतलब फाड़ो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तुम्हें, इसमें जितना फाड़ सकते हो फाड़ो, तुम्हारा ही फायदा है, मेरा कोई फायदा है नहीं ये बोल के, लेकिन अगर निकाल पाए तो यार मतलब मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। फोकस बनाए रखना है, अपनी मेहनत लगाए रखनी है। यार तुमने इतने कितने 16 साल 18 साल हो जाएंगे थोड़े दिनों में, उसमें तुमने इतनी मेहनत करी है, थोड़ी और मेहनत कर लो, उसके बाद लाइफ सेट है। जो ये पेरेंट्स कहते हैं ना कि यहाँ तक पढ़ लो लाइफ सेट है, यहाँ तक पढ़ लो लाइफ सेट है, तो यार ये वैसे सही है, अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया ना 12th तक, तो उसके बाद लाइफ सेट ही होती है। 10th 12th का बच्चा भी उठा लाया मैं, 10th 12th का तो नहीं है, संदीप है ये, जो वो चक दे इंडिया का एंड का डायलॉग था ना कि ये तुमसे 1-2 महीने कोई नहीं छीन सकता, अभी तो तुम्हें 1-2 महीना एक्स्ट्रा दे रहा है कोई, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारी लाइफ है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला इससे, हम तुम्हें बस मोटिवेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। कुछ भी डाउट होगा नीचे कॉमेंट्स में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे सारे डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी रिलेटेड हो, जेई के रिलेटेड हो, प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, पूछ लेना कॉमेंट में, मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड यार मेहनत करते रहो और मेहनत कर डालो, आखिरी टाइम है, और अगर कुछ ना हो तो हरिद्वार में जाके डुबकी लगाओ, क्योंकि सब चंगा सी। ये मजाक वजाक चलते रहेंगे, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ।